और यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हूँ। आज की क्लास है हमारी MSN के टॉपिक को लेके। तो यहाँ पे आपको MSN के क्वेश्चंस के साथ में आपको कुछ क्वेश्चन एनाटॉमी के भी ऐड किए गए हैं। तो जो भी लोग क्लास में नए हैं प्लीज़ क्लास को ज्वाइन करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाए। तो आप सभी का एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आते जा रहा है तो उतना टाइम भी आपके पास कम बचा हुआ है। तो बेस्ड ऑन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सभी क्लासेस ऐड की जा रही हैं, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो अभी अपकमिंग टाइम में हम बात करें तो MP ग्रुप 5 NORSET और HSSC का पेपर होने वाला है। तेलंगाना के लिए भी एग्ज़ाम होने वाला है, बट अभी वहाँ की डेट है जो कन्फर्म नहीं है। फिर भी आप अप टू डेट रहें, स्पेशली वेबसाइट पर बार बार चेक करते रहें। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं मैं बता दूं, स्पेशली आपका जो NORSET होने वाला है उसमें आपको MSN से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से मे बी 40 क्वेश्चंस तक आते हैं, जिसमें आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन से लेके और आपको वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस तक ऐड किए जाते हैं। 200 क्वेश्चन आते हैं, माइनस मार्किंग होती है आपकी। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपके CHO में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और गायनेक आती है, वैसे ही NORSET में आपको MSN और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि इसमें से आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड थिंग, जो भी लोग NORSET, AIIMS और MOSBI की बुक की PDF लेना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, जिसमें अभी तक जितने AIIMS ने पेपर करवाए हैं वो NORSET का एक पेपर, साथ ही साथ जो भी लोग MP ग्रुप 5 के पेपर लेना चाहते हैं स्टाफ नर्स के, वो पेपर्स भी आपको अवेलेबल, उसके लिए भी आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। सभी पेपर्स ऑफिशियल रहेंगे बिना किसी छेड़छाड़ के, जिससे आप जैसा आपको पेपर वहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा ऑनलाइन जब आपका CVT होगा वैसे ही आपको पेपर दिए जाएंगे। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट। क्वेश्चन है आपके लिए आज की क्लास का, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मे बी सीन इन पेशेंट ऑफ कार्डियक टेम्पोनेट एक्सेप्ट, सभी कार्डियक टेम्पोनेट के साइन है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में कुस्माल साइन, पल्सस पैराडॉक्सस, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेट्स, या फिर राइट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक कोलैप्स एंड इकोकार्डियोग्राफी। सब कुछ देखने को मिलेगा कार्डियक टेम्पोनेट में किसी एक को छोड़कर। तो कौन सा साइन है जो कार्डियक टेम्पोनेट का नहीं होगा? तो वो है आपका कुस्माल साइन। कुस्माल साइन जनरली पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलेगा। किसमें? पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो कार्डियक टेम्पोनेट है इसमें आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? तो वो यहाँ पे आपके तीन क्लासिकल साइन होते हैं। क्या होते हैं? तीन क्लासिकल होगा। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू दैट जो कुस्माल साइन है वो नहीं देखने को मिलेगा, वो पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो कार्डियक टेम्पोनेट है, कार्डियक टेम्पोनेट पहले है क्या आपको वो पता होगा तब आप बता पाएंगे कि इसके साइन क्या होंगे। कार्डियक टेम्पोनेट इज द कंप्रेशन ऑफ द हार्ट कॉज्ड बाय फ्लूड कलेक्टिंग इन द सैक सराउंडिंग द, तो हार्ट के चारों तरफ जो पेरिकार्डियल सैक है, हार्ट किसमें बंद रहता है? पेरिकार्डियम, जो लेयर है वो क्या है? पेरिकार्डियम। अब यहाँ पर हार्ट की जो सैक हो गया तो उस सैक में यदि फ्लूड बिल्डअप हो जाता है, फ्लूड भर जाता है, तो हार्ट क्या होगा? कंप्रेस होगा, मतलब उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? कार्डियक टेम्पोनेट। इस सिचुएशन प्रेशर वाली नहीं, इस सिचुएशन वो है जब पेरिकार्डियम स्पेस में क्या हो जाए, पेरिकार्डियल सैक में फ्लूड और ब्लड का कलेक्शन हो जाए, जो कि पेरिकार्डियल सैक है, जिसके कारण हार्ट पर क्या होगा? प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसके कारण हार्ट है जो प्रॉपर तरीके से, जब मान लीजिए प्रेशर पड़ेगा, जो पेरिकार्डियल सैक में ब्लड भर गया फिर फ्लूड भर गया, जो प्रेशर पड़ेगा जिसके कारण क्या होगा, हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाएगा। एक प्रोसीजर होता है जैसे आपने पढ़ा है, जब आपको हाइड्रोसेफेलस की सिचुएशन होती है तो जो सेंटिंग करके फ्लूड बाहर निकाला जाता है, वैसे ही सेम पेरिकार्डियोसिंथेसिस प्रोसीजर किया जाता है हार्ट से फ्लूड है जो बाहर निकालने के लिए। अब कार्डियक टेम्पोनेट के थ्री क्लासिकल साइन एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, जिसको आप कहेंगे बैक स्ट्रियाड। क्या है? बैक स्ट्रियाड, जिसमें ब्लड प्रेशर लो होगा, मफल हार्ट साउंड सुनाई देगा, जुगलार वेन डिस्टेंशन, जुगलार वेन मतलब नेक के यहाँ पर जो वेन रहेगी, जब जो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो बैकअप जिसको हम कहेंगे जुगलार वेनस डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, मफल हार्ट साउंड, BP का लो होना,
जुगलर वेन डिस्टेंस है, तीन क्लासिकल साइन होंगे किसके, कार्डियक टेम्पोनेट के। कार्डियक टेम्पोनेट में होगा क्या, जो पेरिकार्डियल सैक है वहाँ पे या तो फ्लूड का बिल्डअप हो जाएगा, ऑक्यूमुलेशन होगा, या फिर ब्लड का। तो जब भी पेरिकार्डियम पुट्स प्रेशर ऑन द हार्ट, जो फ्लूड भरा है वो प्रेशर लगाएगा हार्ट पर, तो प्रेशर के कारण क्या होगा, हार्ट है जो प्रॉपर तरीके से एक्सपेंड नहीं हो पाएगा और जो ब्लड की कैपेसिटी है वो नहीं हो पाएगी, जिसके कारण जब प्रॉपर पंपिंग नहीं होगी तो पूरे जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट के थ्रू वो नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगी, जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बीपी लो होगा, फास्ट ब्रीदिंग होगी, नेक के यहाँ पे स्वेलिंग होगी, जिसको हम जुगलर वेन डिस्टेंशन कह रहे हैं। ऐसे केस में कभी कभी पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तीन चीज़ें याद रखें, जो कार्डियक टेम्पोनेट है वो है क्या, बैक स्ट्रायड, और एक किस तरीके से काम करेगा। और कार्डियक टेम्पोनेट यदि इनकेस होता है तो जैसे थोरासेंथेसिस करके यदि लंग्स का जो प्लूरल स्पेस है वहाँ पर फ्लूड एक्यूमुलेट होता है, थोरासेंथेसिस करके आप बाहर निकाल देते हैं उस फ्लूड को, वैसे ही पेरिकार्डियोसेंथेसिस करके जब कार्डियक टेम्पोनेट में पेरिकार्डियम सैक में फ्लूड भर जाता है तो उस फ्लूड को बाहर निकाल। टेम्पोनेट के सब साइन है किसी एक को छोड़कर, तो एक स्मॉल साइन। नेक्स्ट वन इज स्पेस बिटवीन सेंजुअल सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड। तो जो स्पेस होगा सेंजुअल सेल्स के बीच में न्यूरॉन्स में वो क्या कहलाएगा, नोड्स ऑफ रेनवियर, सिनाप्सिस, निसल्स बॉडी, या फिर वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर न्यूरॉन्स में जो न्यूरॉन जो पूरी नर्व सेल होती है एक, तो उसमें क्या होगा, एक स्पेस होगा सेंजुअल सेल्स के बीच में, वो कहलाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। देखिए ये रही सेंजुअल सेल्स, तो यहाँ पर जो स्पेस है इन दो सेंजुअल सेल्स के बीच में, ये यहाँ पे देखिए क्या कहलाएगा, कहलाएगा नोड्स ऑफ रेनवियर या डेंड्राइट। तो जो बीच का पार्ट है क्या है, न्यूक्लिया से पूरी किसकी इमेज दी हुई है, न्यूरॉन की, इसकी न्यूरॉन की, न्यूरॉन को नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो कहा जाता है। तो यहाँ पर नेफ्रॉन को किडनी वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट कहा जाएगा, वैसे ही नर्व सेल्स की जो वो है क्या, न्यूरॉन, क्या है न्यूरॉन। तो जो दो सेंजुअल जिसको माइलिन सीथ कहेंगे या माइलिन सीथ या फिर सेंजुअल सेल्स हैं, तो यहाँ पर इनके बीच का जो स्पेस है दो सेल्स के बीच का वो क्या कहलाएगा, कहलाएगा नोड्स ऑफ रेनवियर। नेक्स्ट वन इज थ्री रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिसीज कांट बी कंट्रोल्ड, विच ऑफ दीज आर। तो यहाँ पर तीन ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हार्ट डिसीज़ को लेके, किस बाकी वो यहाँ पर कौन से हैं, वो तीन फैक्टर कौन से हैं, मेडिसिन यूज, वैक्सीन, एल्कोहलिज्म, एज, सेक्स, हेरिडिटी, डाइट, ड्रग यूज, स्मोकिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कहा गया है कि थ्री रिस्क फैक्टर हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर घुमा के वही क्वेश्चन है कि मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल, तो जो आप चेंज नहीं कर सकते ऐसे रिस्क फैक्टर कौन से होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में मेडिसिन यूज, वैक्सीन, एल्कोहलिज्म, ये आप बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं, और इसके थ्रू यदि आप शराब छोड़ देते हैं, मेडिसिन का यूज़ कम कर देते हैं, जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो लेते हैं, तो इसको आप बदल सकते हैं। डाइट चेंज कर सकते हैं, ड्रग यूज़ करते हैं तो उनको स्टॉप कर सकते हैं, स्मोकिंग स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी ना तो उम्र को रोक सकते हैं, मेल हैं तो मेल ही रहेंगे, फीमेल हैं तो फीमेल ही रहेंगे, ना ही आप अपनी जेनेटिक्स और हेरिडिटी को स्टॉप कर सकते हैं, एथनिसिटी या जो, तो इनको आप नहीं बदल सकते, बाकी सबको बदल सकते हैं। तो ऐसे थ्री रिस्क फैक्टर जो कि हार्ट डिसीज़ के लिए आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो होंगे आपके एज, सेक्स एंड हेरिडिटी। नेक्स्ट इज विच ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द पेंक्रियाज। देखिए पेंक्रियाज है जो हार्मोन भी रिलीज करती है, एंजाइम भी रिलीज करती है, दोनों काम करती है। पेंक्रियाज जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमेटोस्टेटिन। अब यहाँ पे अल्फा बीटा और जो गामा सेल्स हैं वो रिलीज करेंगी, लेकिन पेंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम को भी रिलीज करती है, प्रोड्यूस करती है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए करती है, फैट के लिए करेगी, प्रोटीन के लिए करेगी। लेकिन क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा है जो कि पेंक्रियाज रिलीज करती है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेंक्रियाटिक लाइपेज, या फिर इलास्टेज। तो कौन सा एंजाइम है जो कि पेंक्रियाज रिलीज करती है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए, तो वो है एमाइलेज, क्या है, पेंक्रियाटिक एमाइलेज। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताया कि पेंक्रियाट
दो तरीके के काम करती है, एक तो हार्मोन्स रिलीज करने का भी और एंजाइम रिलीज करने का भी। तो हार्मोन्स तो आपको पता है, इंसुलिन, ग्लूकागन एंड सोमेटोस्टेटिन। अब यहाँ पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम पैंक्रियाज रिलीज करती है, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा रिलीज करेगी, एमाइलेज। क्या है, एमाइलेज। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड और प्रोटीन के लिए क्या है, पेप्सिन। फिर लाइपेज एंजाइम किसके लिए, फैटी एसिड्स, या फिर फैट और लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या, लाइपेज। तो यहाँ पर तीन तरीके के एंजाइम है जो कि पैंक्रियाज रिलीज करेगी। नेक्स्ट वन इज द, विच इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल्स यूज्ड इन सीएवीजी सर्जरी। सीएवीजी सर्जरी में जो आपकी कार्डियक की बाईपास सर्जरी होती है, तो सीएवीजी सर्जरी में आपके लिए कौन सी ब्लड वेसल्स यूज़ की जाएगी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। क्या है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में कौन सी ब्लड वेसल्स यूज़ की जाती है, क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था। ऑप्शन में द सफेनियस वेन, द फीमोरल आर्टरी, या फिर द पॉपलिटियल वेन, या फिर द इलियक आर्टरी। तो जो कॉमनली यूज़ की जाती है वो कौन सी है, तो जो सबसे कॉमनली यूज़ की जाती है वो क्या है, वो है सफेनियस वेन। ग्रेट सफेनियस वेन को सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए। किसको, बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए जो यूज़ की जाती है वो क्या है, वो है आपकी सिफेनियस वेन। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द नर्सिंग एक्शन इज इम्पॉर्टेंट बिफोर पेशेंट हैविंग चेस्ट एक्सरे। यदि किसी का चेस्ट एक्सरे होने वाला है, तो आप उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन में है यहाँ पर, नील पर ओरल, स्वेलो कॉन्ट्रास्ट डाई, सेडेशन, या फिर रिमूव द मेटल नेकलेस। क्या करेंगे आप, यदि किसी का क्या होने वाला है, चेस्ट एक्सरे होने वाला है, तो ऐसे केस में आप सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव द मेटल नेकलेस। क्या है, मेटल नेकलेस को आप रिमूव करेंगे। ऐसा आपको क्यों करना है, ताकि जब भी चेस्ट एक्सरे होता है, यदि इनकेस आपको उस पार्ट में, जिस पार्ट पे आपका कुछ भी मेटल नेकलेस वगैरह रहता है, तो एक्सरे के टाइम पे उस पार्ट को एक्सरे मशीन है जो प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज नहीं कर पाएगी और गलत आपकी एक्सरे रिपोर्ट आ जाएगी। तो चेस्ट एक्सरे के टाइम पे को क्या करना है, मेटल नेकलेस को रिमूव करना है। नेक्स्ट वन इज़ द ईसीजी शोज चेंजेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इन लीड 2-3 एंड ए बी एफ, इट सजेस्ट द एरिया ऑफ इन्फ्रैक्शन एट। तो यदि ईसीजी क्या शो कर रही है कि जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की लीड 2-3 और ए बी एफ है, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको इस एरिया में सजेस्ट करेंगे कि इन्फ्रैक्शन हुआ है, एंटीरियर वॉल में, पोस्टीरियर वॉल में, सेप्टल वॉल में, कि इन्फीरियर वॉल में, तो किस एरिया में इन्फ्रैक्शन हुआ है, इन्फ्रैक्शन हुआ है इन्फीरियर वॉल में। कहाँ पर, इन्फीरियर वॉल में। अब आपको ईसीजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ईसीजी का इंटरप्रिटेशन आता है कि किस केस में ईसीजी का एसटी सेगमेंट बड़ा रहेगा, पीआर सेगमेंट कैसा होगा, तो एक बार आप लोग चेक कर लें। या तो आपको ईसीजी डायरेक्ट रीडिंग आती है कि ये किस एमआई की रीडिंग है, कार्डियक फेलियर की है, किस केस की है, जो आपको डायरेक्ट है जो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्स रिसेप्टर ऑफ आई आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग। तो जो रॉड्स एंड कॉन्स सेल्स आपने पढ़ी हैं आँखों में, रॉड सेल्स और कॉन्स सेल्स, तो कॉन्स सेल्स हैं जो क्या हैं, कॉन्स सेल्स हैं जो आँखों की किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कलर के लिए, सेप के लिए, लाइट के लिए, कि नन ऑफ दी अबव। कॉन्स सेल्स हैं जो आँखों की कलर्स के लिए, किसके लिए, कलर्स के लिए हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन सेल्स ऑफ आई या फिर कौन से रिसेप्टर किसके लिए हैं, ये फोटो रिसेप्टर, क्या है, फोटो रिसेप्टर एक तरीके के रहेंगे। और जो रॉड्स हैं क्या है, जो तीन तरीके के मेनली कौन से रिसेप्टर होते हैं, ब्लू ग्रीन एंड रेड, क्या है, ब्लू ग्रीन एंड रेड। कौन सेल्स का मेन काम क्या होगा, कौन्स का मेन काम यही होगा आपका कलर विजन, क्या है, कलर। नेक्स्ट वन इज़ द
आपको आइस वाले पार्ट से सियारा चार्ट आ सकता है, जो कि कलर चेक करने के लिए आपका कलर सेलेक्ट करते हुए प्रॉब्लम के लिए सियारा चार्ट यूज़ किया जाता है। विजन इक्विटी के लिए है जो आपका स्नेलन चार्ट यूज़ किया जाता है, यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि आपको कई बार पढ़ाया गया, लेकिन आपको विजन इक्विटी पूछें तो स्नेलन चार्ट 20 फिट है जो दूर करके आपको रीड आउट करवाया जाता है, और आपको सियारा चार्ट है जो कलर प्रॉब्लम को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द हाउ शुड द नर्स पोजिशन द पेशेंट अंडर गोइंग थोरासेंथेसिस। थोरासेंथेसिस जो प्रोसीजर है किया जाता है, इसमें पेशेंट को कौन सी पोजिशन दी जाएगी, सुपाइन प्रोन सिटिंग या फिर नीचे कौन सी पोजिशन दी जाएगी थोरासेंथेसिस प्रोसीजर में। तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक पेरिकार्डियल सिंथेसिस होगा, पेरिकार्डियल जो सैक है फ्लूड एक्यूमुलेट ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है उसको बाहर ड्रेन करने के लिए, वैसे ही एक थोरासेंथेसिस प्रोसीजर होता है थोरासिक कैविटी से फ्लूड को बाहर निकालने के लिए। कहाँ से, थोरासिक कैविटी से फ्लूड को बाहर निकालने के लिए। अब यहाँ पर इसमें पोजीशन कौन सी देंगे, तो वो होगी सिटिंग पोजीशन इस तरीके से। ये देखिए जो थोरासिक कैविटी है यहाँ पर क्या है, थोरासिक कैविटी हो गई यहाँ पे, इस थोरासिक कैविटी से फ्लूड को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा कौन सा थोरासिस प्रोसीजर। और इसमें यदि आप जो बेस्ट पोजीशन की बात करें तो वो थी सिटिंग पोजीशन इज़ द बेस्ट पोजीशन, क्योंकि इसमें आप निडल इंसर्ट करेंगे फ्लूड को बाहर निकालने के लिए, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो कौन सी होगी, सिटिंग पोजीशन, जिसमें पर्सन है जो आगे की तरफ टेबल यूज़ करके आप पर्सन को और प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं, तो कि पेशेंट सिटिंग अपराइट एंड लीनिंग ऑन टेबल, आधा टेबल पे अपना सिर रख के बैठ सकता है, फिर डायरेक्ट अपने हाथ से सपोर्ट लेके बॉडी को क्या कर सकता है टेबल के यहाँ पे बैठ सकता है, और फ्लूड है जो आप लेफ्ट लंग से बाहर की तरफ रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द विच कंडीशन इज़ डायग्नोस्ड बाय वॉशरमैन टेस्ट। तो वॉशरमैन टेस्ट किस कंडीशन के लिए यूज़ किया जाएगा डायग्नोस करने के लिए, पर्ट्यूसिस सिफिलिस बॉटुलिज्म या टिटनेस। पर्ट्यूसिस है जो ये क्या है, कंटेजियस यहाँ पे है, तो सभी कम्युनिकेबल प्रॉब्लम ही है, कम्युनिकेबल डिसीज़ ही है, लेकिन पर्ट्यूसिस क्या है, पर्ट्यूसिस में वो 100 दिन की खांसी कह सकते हैं, या फिर इसको 100 दिन की खांसी के अलावा आप इसको वार्किंग कफ भी कह सकते हैं। पर्ट्यूसिस 100 दिन की खांसी या फिर वूफिंग कफ है जो आप इसका नाम दे सकते हैं, और जनरली 2 साल से कम एज के बच्चों को होती है। जब भी बच्चे को पर्ट्यूसिस की प्रॉब्लम है तो उसको पर्ट्यूसिस कंटेनिंग वैक्सीन नहीं दी जाती। दूसरा है बॉटुलिज्म, ये होता है फूड पॉइजनिंग के कारण, क्या है फूड पॉइजनिंग है, टिटनेस जो कि क्लोरिस्टिडियम टिटेनी से होगा। फिर आता है आपका सिफिलिस, क्या है सिफिलिस, ट्रिपनोमा पैलिडियम से होने वाली सेक्सुअली डिसीज़ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, वहाँ से बच्चे को भी हो सकती है, निडल प्रिक इंजरी से भी हो सकती है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछा है वॉशरमैन टेस्ट, तो ये किया जाता है सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए, किसके लिए, सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए। और इसमें जो हम ये कह सकते हैं वॉशरमैन टेस्ट में स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है कभी कभी सिफिलिस में, वो कौन जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है, या तो वो ब्लड हो सकता है या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड है जो हो सकता है। याद रखें इन 2 चीज़ों को ही यूज़ किया जाता है, जैसे आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है या फिर आपका CVC काउंट होना है तो ब्लड ही कल्चर के तौर पर लिया जाएगा, वैसे ही वॉशरमैन टेस्ट में या तो ब्लड लिया जा सकता है या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ द विच लैब टेस्ट इज़ टू बी मॉनिटर्ड वाइल द क्लाइंट इज़ ऑन अमीनोग्लाइकोसाइड्स थेरेपी। यदि पर्सन अमीनोग्लाइकोसाइड्स ले रहा है तो उसका कौन सा टेस्ट किया जाएगा, हीमोग्लोबिन, सीरम ब्लीरोबिन, सीरम क्रिएटिनिन या फिर प्लेटलेट्स। यदि किसी पर्सन को अमीनोग्लाइकोसाइड्स मेडिकेशन दी जा रही है तो उसका सीरम क्रिएटिनिन लेवल है जो चेक करवाया जाएगा, कौन सा, सीरम क्रिएटिनिन लेवल है जो चेक करवाया जाएगा, ताकि पर्सन में रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है जो ना डेवलप हो, तो सीरम क्रिएटिनिन है जो लेवल चेक करवाया जाएगा। अब अमीनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की कौन सी ड्रग है, टोप्रामाइसिन हो गई, जेंटामाइसिन हो गई, यदि इन मेडिसिन को दिया जा रहा है, क्या है, सभी एंटीबायोटिक है, इनको यदि दिया जा रहा है तो पर्सन का सीरम क्रिएटिनिन लेवल है जो चेक करवाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ pH लेवल ऑफ स्टमक कंटेंट विल बी करेक्ट। तो स्टमक से जो भी pH वैल्यू पूछी जाती है वो क्या होगी,
ऑप्शन में है यहाँ पे 7.35, 3.5, 7.0 या फिर 7.5। तो गैस्ट्रिक एसिड हो गया या फिर स्टमक से रिलेट करते हो, कंटेंट की पीएच वैल्यू हमेशा एसिडिक नेचर की रहेगी, तभी तो कोई भी प्रॉब्लम्स जो बीमारी है उतनी आसानी से नहीं हो पाएंगी। कुछ बैक्टीरिया वायरस हैं जो यदि आपके खाने पीने में जाते हैं तो एसिडिक कंटेंट के कारण मर जाएंगे। तो यहाँ पर स्टमक कंटेंट का जो पीएच वैल्यू होगी वो होगी 3.5। कितना? 3.5। यदि गैस्ट्रिक एसिड की पूछें तो 1.5 टू 2.0 तक हो सकती है, लेकिन यदि इनकेस जो आपका पीएच लेवल क्या है, पीएच लेवल 3.5 आपका सभी स्टमक के जितने भी कंटेंट रिलीज होते हैं उनके लिए है, क्योंकि जो पीएच स्केल होती है बिलो 7 एसिडिक नेचर अबव 7 एल्कलाइन नेचर, जैसे ब्लड का पीएच एल्कलाइन नेचर का होता है 7.35 टू 7.45, जो वेजाइना से सीक्रेशन होगा उसका पीएच एसिडिक नेचर का होगा, क्यों? ताकि कोई भी इन्फेक्शन है जो ईजिली ना हो पाए। तो ऐसे ही जो स्टमक का पीएच लेवल होगा वो कैसा होगा, स्टमक कंटेंट का होगा 3.5। नेक्स्ट वन इज द विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली कॉज द गैस गैंग्रीन। तो गैस गैंग्रीन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल होगा, इकोलाई, प्लाज्मोडियम, रूबेला या फिर क्लोरिस्ट्रिडियम। तो जो ऑर्गेनिज्म गैस गैंग्रीन कॉज कर सकता है वो क्लोरिस्ट्रिडियम प्रेफरेंस, क्या है? क्लोरिस्ट्रिडियम प्रेफरेंस है जो गैस गैंग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। नेक्स्ट वन इज गैस गैंग्रीन की आपको इमेज आती है गैंग्रीन की, तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या हो गया, क्लोरिस्ट्रिडियम परफ्रिंक्स नाम का बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, कुछ ऐसी फॉल स्मेलिंग गैस को रिलीज करेगा जिसके कारण गैंग्रीन होगा, गैस फास्ट तरीके से काम करेगी, तो इस कंडीशन क्या है, गैस गैंग्रीन, और इसमें एक जगह से दूसरी जगह तक है जो बहुत ईजीली फैलेगा। ये इमेज आपको एग्जाम में नॉर्सेट में दो बार आ चुकी है, तीसरी बार का नहीं कह सकते, चौथी बार है इस बार नॉर्सेट आती है या नहीं, बट इमेज पूछी जाती है कि है क्या है ब्लैक ब्लैक, तो ये क्या है, गैस गैंग्रीन, जिसके कारण इस्चीमिया होगा, इवन कुछ केस में पर्सन का पैर भी या फिर जिस पार्ट में होता है उसको अलग किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पैंक्रीटाइटिस। तो पैंक्रीटाइटिस में कौन सी मेडिसिन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, मॉर्फिन, मेप्रिडिन, डाइक्लोफेनिक या फिर स्पाज्मो पायरोक्सिबिन। कौन सी मेडिसिन है जो आप नहीं देंगे यदि किसी पर्सन को पैंक्रीटाइटिस है, तो पैंक्रीटाइटिस वाले पर्सन में आप मॉर्फिन सल्फेट या फिर मॉर्फिन कैटेगरी की ड्रग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ओपियोइड इफेक्ट क्रिएट करेंगी, इसीलिए जो मॉर्फिन टैबलेट है जो कि एक नार्कोटिक पेन रिलीवर है, ओपियोइड पेन रिलीवर है, इसको जनरली सीवियर पेन को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, और इसका जब आप पैंक्रीटाइटिस के केस में इस मेडिसिन को आप नहीं देंगे, क्या है, पैंक्रियास के केस में आप है जो मॉर्फिन को नहीं देंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट द सीजर्स। तो सीजर्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम या फिर एक्सरे। तो सबको पता है कि जो यदि जब सीजर्स आते हैं तब यदि सीजर्स क्या आते हैं, बार बार आ रहे हैं इनकेस, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, पर्सन का ईईजी किया जाएगा कि ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो प्रॉपर हो रही हैं नहीं, उन सीजर्स के कारण ब्रेन के कुछ इंटरनल डैमेज तो नहीं हुआ है, वो पता चलेगा किससे, ईईजी से, किससे, ईईजी से। नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेज ऑफ सिफिलिस इज कंसिडर्ड एज नॉन कंटेजियस। तो सिफिलिस है जो किस स्टेज में कंसीडर किया जाएगा कि ये नॉन कंटेजियस है, मतलब फैलेगा नहीं, वो कौन सी स्टेज होगी जिसमें पता चलेगा कि है जो क्या है, फैलेगा नहीं, तो वो होगी टर्सरी स्टेज। कौन सी टर्सरी स्टेज, अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेज एग्जाम में आपको आ सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड टर्सरी और लेट स्टेज, तीन स्टेज है, या फिर तीन स्टेज में से कौन सी स्टेज है जिसमें कंटेजियस नहीं होगा, सबसे ज़्यादा फैलने का खतरा होता है सेकेंडरी स्टेज में, किसमें,
सेकेंडरी स्टेज में। स्टेज फर्स्ट में तो ओनली स्किन अल्सर होंगे, मसल पेन होगा, वीकनेस होगी, फटीक होगी, हेडेक होगा। लेकिन सिफिलिस का जो कंटेजियस मतलब एक से दूसरे को लगने वाला सिस्टम यदि हम कहें तो रेसिस के कारण सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उन्हीं में फ्लूड वगैरह भरेगा तो म्यूकोसल डैमेज, वेट लॉस, हीट, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन टर्शियरी स्टेज में क्या होगा, इंटरनल ऑर्गन्स में डैमेज होना स्टार्ट होगा। क्या होंगे, इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होंगे, हार्ट अफेक्ट होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। टर्शियरी स्टेज पे सिफिलिस फैलने का रिस्क है जो सबसे कम होगा। नॉन कंटेजियस मतलब फैलने वाली स्टेज नहीं होगी, वो होगी टर्शियरी स्टेज, इसको हम लेट स्टेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एंटी साइकोटिक्स आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड थ्रू द फॉलोइंग रूट एक्सेप्ट। तो एंटी साइकोटिक्स ड्रग हैं जैसे कि हेलोपेरिडॉल हो गया, जो मैनिया बाइपोलर को ट्रीट करने वाली मेडिसिन हो गई, तो सभी एंटी साइकोटिक्स ड्रग को आप सभी रूट से दे सकते हैं, किसी एक को छोड़कर। ओरल दे सकते हैं हम, IV दे सकते हैं, IM दे सकते हैं, लेकिन सबक्यूटेनियस रूट से एंटी साइकोटिक्स ड्रग हैं जो एडमिनिस्टर नहीं की जाएंगी। कौन से रूट से, सबक्यूटेनियस से एंटी साइकोटिक्स ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे आप। ओरल, IV, IM दे सकते हैं लेकिन सबक्यूटेनियस नहीं। नेक्स्ट इज जब द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर लेवल इज फाउंड रिड्यूस्ड इन डिप्रेशन। डिप्रेशन के केस में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कम रहेगा, इसका लेवल डाउन जाएगा, इसीलिए 5-HT से जो मेडिसिन दी जाती हैं, रिएप्टेक इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, सीरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन, ग्लूटामेट। तो डिप्रेशन में जो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्या होगा, कम होगा, तो वो होगा सीरोटोनिन। क्या है, सीरोटोनिन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सीरोटोनिन। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे कि एड्रेनालिन हो गया, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, गाबा, एसिटाइल कोलिन, एंडोर्फिन, तो ये सब क्या हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर का कम होने के कारण भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इनकेस आपका क्या है, इनकेस आपको एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन का लेवल डिस्टर्ब होता है तो आपको क्या होगा, डिप्रेशन टाइप का होगा, एंजाइटी होगी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन की बात करें हम, सीरोटोनिन का लेवल क्या है, डिप्रेशन में सीरोटोनिन का लेवल कम होगा जबकि मैनिया में बहुत हाई जाएगा, इसमें मैनिया में ज़्यादा जाएगा। गाबा है जो मेनली एंजाइटी अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, एंजाइटी अटैक के लिए। नेक्स्ट वन इज विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसो कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलिटेशन ऑफ आर्टरी। कल हमने आर्टरी की तीन लेयर पढ़ी थी, सॉरी वॉल की तीन लेयर पढ़ी थी आर्टरी वॉल की, तो यहाँ पर एडवेंसिया, मीडिया और इंटीमा, तो कौन सी जो लेयर रहेगी आर्टरी के कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ट्यूनिका एडवेंटिया, तो ये तो सबसे बाहरी लेयर हो जाती है, फिर ट्यूनिका एक्सटर्नल हम इसको कहेंगे, ट्यूनिका इंटीमा जो कि ल्यूमेन शेप में रहेगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हम ये कह सकते हैं लिपिड का डिपोजिशन होता है, तो क्या होती है, इंटरनल लेयर। लेकिन कॉन्स्ट्रक्शन और डायलेशन के लिए जो होगी वो होगी ट्यूनिका, मीडिया और मिडिल लेयर ऑफ आर्टरी। तो डायलेटेशन के लिए पूछे और कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल क्या है, ट्यूनिका मीडिया जो कि एक मस्कुलर लेयर है। फिर जो इंटरनल होती है जो कि ल्यूमेन सबसे स्मूथ रहेगी, वो क्या है, इंटरनल इंटीमा, आउटर क्या है, और सबसे बाहरी वाली लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्नल और ट्यूनिका एडवेंचिया। नेक्स्ट वन इज पीपल विथ एल्बिनिज्म हैव अ डिफेक्ट इन टायरोसिनेज एन ऑक्सीडेज दैट हेल्प्स टू कंट्रोल स्किन पिगमेंट प्रोडक्शन इन व्हाट एपिडर्मल लेयर इज टायरोसिनेज एक्टिव। एल्बिनिज्म वाले पर्सन आपने देखे पूरे वाइट होते हैं, क्या होंगे, पूरे वाइट रहेंगे, उनके बाल से लेके हाथ फिंगर सब कुछ वाइट वाइट रहेंगी, उनको क्या बोलेंगे हम, एल्बिनिज्म। तो एल्बिनिज्म वाले पर्सन में टायरोसिनेज जो कि एक क्या है, हमें कह सकते हैं एपिडर्मल लेयर रिलीज करेगी, यहाँ पे एपिडर्मल लेयर में कौन सी जो लेयर है टायरोसिनेज को एक्टिवेट करेगी, यदि यही टायरोसिनेज का क्या डिफेक्ट है ही नहीं, तब एल्बिनिज्म होगा। मतलब स्किन भी हमारी बॉडी के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन इसीलिए स्किन कहलाती है। तो यहाँ पर जो एल्बिनिज्म वाला पर्सन है, क्या है पूछे, तो एल्बिनिज्म वाले पर्सन में किसका डिफेक्ट है, तो वो है ट्रायोसिनेज का। तो अभी ट्रायोसिनेज कौन, एपिडर्मिस की कौन सी लेयर रिलीज करेगी,
स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम, स्ट्रेटम बेसिल या फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम। तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, इसको हम क्या कहेंगे, एल्बिनिज्म, जिसमें पर्सन में मेलानिन का प्रोडक्शन या तो होगा ही नहीं या फिर ना के बराबर होगा। मेलानिन ही आपके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी बॉडी में जितना ज़्यादा मेलानिन कलर उतना ज़्यादा डार्क। अब एल्बिनिज्म में मेलानिन ही नहीं होगा, ट्रायोसिनेस डिफेक्ट है, तो क्या होगा, कौन सी एपिडर्मल लेयर रिलीज करेगी इसको, तो होगी स्ट्रेटम बेसिल। कौन सी होगी, स्ट्रेटम बेसिल। अब आगे पढ़ेंगे कि जो लेयर है, जो एपिडर्मिस की जो लेयर है वो कितनी है, क्योंकि यदि ट्रायोसिनेस पूछा है तो स्ट्रेटम बेसिल नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी स्किन को लेके, इसीलिए यहाँ पे हम एपिडर्मिस डर्मिस की पूरी लेयर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज द, इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, डर्मिस, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, एपिडर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस। तो इनर मोस्ट लेयर है स्किन की वो है हाइपोडर्मिस। अब ये देखिए यहाँ पे आपका स्किन की जो लेयर है, स्किन की जो लेयर है सबसे आउटर लेयर कहलाती है एपिडर्मिस। योर स्किन हैज थ्री मेन लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, जिसको हम सबक्यूटेनियस फेसिया कहेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, तो क्या है, इनर मोस्ट लेयर हाइपोडर्मिस को ही आप सबक्यूटेनियस लेयर भी कहेंगे। यहाँ पे एपिडर्मिस है जो पांच स्मॉल लेयर से मिलके बनेगी, मेड अप ऑफ फाइव स्मॉल लेयर, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स नहीं रहती हैं। क्या है, ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स कभी भी एपिडर्मिस में नहीं होंगी। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कि आउटर मोस्ट पार्ट होगा, किसका, एपिडर्मिस का। तो जो हम आगे लेयर्स पढ़ेंगे, यहाँ पे एपिडर्मिस की पांच छोटी लेयर हैं जो हम पढ़ेंगे, तो एपिडर्मिस में ना तो कोई ब्लड वेसल्स होती है ना ही नर्व सेल्स। डर्मिस जिसको हम ट्रू स्किन कहेंगे, फिर मिडिल लेयर भी कह सकते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व होंगी, स्वेट ग्लैंड होंगी मतलब पसीने वाली ग्रंथि होंगी, ऑयल ग्लैंड होंगी, हेयर फॉलिकल्स होंगे। लास्ट आती है हाइपोडर्मिस जो कि सबक्यूटेनियस सबसे इनर मोस्ट लेयर कहलाएगी, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू रहेंगे। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू है। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, पांच लेयर होती हैं किसकी, एपिडर्मिस की। तो फर्स्ट होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसिल। तो जो एल्बिनिज्म वाले पर्सन हैं, तो जिनमें मेलानिन या तो प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है ना के बराबर हो रहा है, तो स्ट्रेटम बेसिल इसको क्या करती है, रिलीज़ करेंगी। फिर जो मिडिल लेयर है वो है डर्मिस, जिसमें ब्लड सेल्स भी है, नर्व सेल्स भी रहेंगी। फिर सबसे लास्ट वाली लेयर होती है जिसमें फैटी टिश्यू रहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू रहेंगे, एडिपोज टिश्यू रहेंगे। तो क्या है, वो है आपकी हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। नेक्स्ट वन इज फ्लश इज डिफाइंड एज अ, तो फ्लश का मतलब क्या है, सडन रेडनेस ऑफ द स्किन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, पेल स्किन या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्लश कहते हैं कि जो फेस है फ्लश दिख रहा है, पेल दिख रहा है, तो क्या, सडन रेडनेस ऑफ द स्किन कहलाएगा फ्लश। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन तो क्या कहलाएगा आपका, साइनोसिस। पेल स्किन में आपका फेस येलो टाइप से दिखने लगेगा, वो फ्लश का मतलब है, सडन रेडनेस ऑफ द स्किन। नेक्स्ट वन इज मोस्ट बॉडी ऑर्डर इज द रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म ऑफ सीक्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड। तो मोस्टली जो बॉडी का ऑर्डर है आपका, पसीना जो स्मेल दे रहा है, किसी के पसीने से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, वही है। मोस्ट बॉडी ऑर्डर इज द रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म द सीक्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड, एपोक्राइन स्वेट, सेरुमिनस, मेरोक्राइन स्वेट या फिर सेबेसियस ग्लैंड। तो सेबेसियस, एपोक्राइन, ये सभी छोटी छोटी ग्लैंड हैं जो कुछ ना कुछ रिलीज करती हैं। तो आपकी बॉडी का जो ऑर्डर है, स्मेल है, इसको कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, वो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। कौन सी, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज द लेयर ऑफ द स्किन दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एज वेल एज केमिकल एंड मैकेनिकल इंजरीज इज द, स्किन की कौन सी लेयर है जो आपको प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया से, साथ ही साथ कुछ केमिकल और मैकेनिकल इंजरी से। यदि मान लीजिए आपकी बॉडी में स्किन ही ना हो तब क्या होगा, तो वैसे ही कि कौन सी लेयर है अब स्किन की जो प्रोटेक्ट करती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सेवम, सबक्यूटेनियस। सीवम है जो आपका ऑयल प्रोड्यूस करेगी और डर्मिस का ही पार्ट है। अब यहाँ पर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है तो सबसे आउटर लेयर ही होगी और वो होगी आपकी एपिडर्मिस। कौन सी, एपिडर्मिस। नेक्स्ट इज द
चिलेशन थेरेपी यूज इन पेशेंट विद थैलेसीमिया पेशेंट द नर्स नोज दैट दिस थेरेपी इज यूज्ड। चिलेशन थेरेपी यूज की जा रही है किसमें? थैलेसीमिया के पर्सन। अब ये चिलेशन थेरेपी है जो थैलेसीमिया के मरीज में क्यों दी जा रही है? ऑप्शन में है टू ट्रीट द एनीमिया, टू ट्रीट हीमोलाइसिस, टू ट्रीट जॉइंटस, या फिर टू ट्रीट द आयरन ओवरलोड। चिलेशन थेरेपी है जो क्यों दी जा रही है? चिलेशन थेरेपी इन्वॉल्व वीकली आईवी ट्रीटमेंट ऑफ एथिलीन डायमिनो टेट्राएसिटिक एसिड EDTA दिया जाता है। चिलेशन थेरेपी में क्या दिया जाता है? EDTA है जो दिया जाता है। अब ये आपको आईवी ट्रीटमेंट के थ्रू दिया जा रहा है, 30 मिनट तक दिया जाता है। और जनरली ये क्या करेगा कि जो ब्लड स्ट्रीम में जितने भी मेटल्स हैं या फिर मिनरल्स हैं एक्सेस हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए दी जाएगी। तो अब इनमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की आप बात करेंगे तो कौन सा है जो ज़्यादा होने के चांसेस होंगे यहाँ पे? तो जो यहाँ पर मेटल्स होंगे या फिर जो कुछ भी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मिनरल्स होंगे, तो इनमें से वो होगा आयरन। आयरन यदि ओवरलोड हो रहा है तो उसको बाहर निकालने के लिए चिलेशन थेरेपी दी जाएगी। ये चिलेशन थेरेपी में क्या यूज़ किया जाता है? EDTA। क्या है? EDTA यूज़ किया जाता है जिसके कारण जो आयरन ओवरलोड होता है यदि इनके इस पर्सन में, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कूलेज एनीमिया, इज ऑल्सो नोन एज कूलेज एनीमिया। आप किसको कहेंगे? अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिर हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में फैक्टर 8 और 9 जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनकी कमी होगी। यहाँ पर जो कूलेज एनीमिया है, क्या है? कूलेज एनीमिया है, ये कहलाएगा बीटा थैलेसीमिया। क्या है? बीटा थैलेसीमिया। जो बीटा चेन होगी, बीटा प्रोटीन चेन होगी, उसको क्या होगी? डिफेक्टिव रहेगी या फिर लैक रहेगी, मतलब होगी ही नहीं। बीटा चेन है जो नहीं होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? कूलेज एनीमिया। और ये नाम पड़ा था डॉक्टर थॉमस बेंटन कूली के कारण, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया था, इसलिए। नेक्स्ट वन इज विच एंटीकोगुलेंट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। तो कौन सा है जो आपकी बॉडी में नेचुरली ही रहता है, बाहर से देने की जरूरत कुछ केस में ही पड़ेगी? ऑप्शन में है यहाँ पे हेपेरिन, वारफरिन, EDTA या फिर सिट्रेट। हेपेरिन, वारफरिन, दो में से आपका कुछ एक आंसर है। तो मैं आपको बताती हूँ, नेचुरल एंटीकोगुलेंट तो आपकी बॉडी में ना तो पहले से वारफरिन होता, ना EDTA, ना सिट्रेट, नेचुरली होता है आपकी बॉडी में हेपेरिन। क्या है? हेपेरिन, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है। अब हेपेरिन है जो आपकी बॉडी में पहले से ही है, मान लीजिए आपको देने की उतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी आपका ब्लड क्लॉट थक्का जमने में दिक्कत होती है तब आपको पता चलता है कि हेपेरिन है या नहीं। यहाँ पे एंटीकोगुलेंट नेचुरल ही है जो, वो क्या है? हेपेरिन। अब यहाँ पे रक्त का थक्का ना जमे इसलिए हेपेरिन का यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पे हेपेरिन किस केस में आप नहीं दे सकते हैं या फिर किस केस में दे सकते हैं? तो हेपेरिन आप प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा। यदि हेपेरिन आपकी बॉडी में ओवरडोज होता है तो प्रोटामाइन सल्फेट से इसको ट्रीट कर सकते हैं। हेपेरिन को आप आईवी रूट से दे सकते हैं, ओरल नहीं दे सकते। लेकिन जो वारफरिन है, वारफरिन को आप ओरली ही दिया जाता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, इसलिए प्रेगनेंसी में आप इसको नहीं देंगे। और यदि इनकेस वारफरिन ओवरडोज हो जाता है तो विटामिन के या फिर फाइटोमेनाडियोन जो मेडिसिन है दे के आप इसके ओवरडोज को ट्रीट कर सकते हैं। और जो नेचुरली है आपकी बॉडी में वो क्या है? हेपेरिन। नेक्स्ट वन इज द प्रोमिनेंट प्रोट्रूजन ऑफ स्टर्नम इज नोन एज। स्टर्नम है जो आपकी सामने की, जो इसको हम ब्रेस्ट बोन कहेंगे, तो आगे की तरफ प्रोट्रूड्स हो जाए तो क्या कहलाएगा? पैक्टस एक्सपेक्टम, पैक्टस कार्निएटम, फ्लेयल चेस्ट या फिर वायरल चेस्ट। तो फ्लेयल चेस्ट तो देखने को मिलता है कब? जब चेस्ट इंजरी हुई हो और रिब्स में फ्रैक्चर हुआ हो। बैरल चेस्ट देखने को मिलता है आपको एम्फाइसीमा के मरीज में। अब यहाँ पर है प्रोमिनेंट प्रोट्रूजन ऑफ स्टर्नम, ये देखिए स्टर्नम आगे की तरफ आ जाता है, तो ये कहलाएगा पैक्टस कैरिनेटम। जो ब्रेस्ट वेन है वो क्या होगी? किसी भी पर्सन की है जो तरफ होगी तो ये क्या होगी? आगे की तरफ आउटवर्ड होगी, तो ये है पैक्टस कैरिनेटम। यदि किसी पर्सन की ब्रेस्ट बोन क्या होगी? अंदर की तरफ होगी, तो ये क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका पैक्टस एक्सवेक्टम। नेक्स्ट वन इज
इन ऑर्डर टू प्रमोट सर्फेक्टेंट रिलीज द नर्स वुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो सर्फेक्टेंट की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जब बच्चे की, मान लीजिए बच्चे की जब डिलीवरी होती है तो उसकी बॉडी में सर्फेक्टेंट नहीं होती, इसीलिए उसको आरडीएस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर भी सर्फेक्टेंट को आपके लंग्स रिलीज करें उसको प्रमोट करने के लिए आप क्या करने को कहेंगे, कफिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग या फिर पर्स लिप ब्रीदिंग। तो आप किस केस में है जो यदि सर्फेक्टेंट ज़्यादा रिलीज करने के लिए कहते हैं, तो वो कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसके आपके लंग्स क्या होंगे, मजबूत बनेंगे, साथ ही साथ सर्फेक्टेंट को रिलीज करेंगे ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन बहुत ईजीली ना हो पाए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फेसियल फ्रैक्चर। सबसे कॉमन फेसियल फ्रैक्चर कौन सा है, नेजल बोन फ्रैक्चर, फ्रंटल बोन फ्रैक्चर, मैक्सिलरी बोन फ्रैक्चर या फिर मैंडिबुलर फ्रैक्चर। तो सबसे कॉमन फेसियल फ्रैक्चर होता है नेजल बोन फ्रैक्चर, कौन सा, नेजल बोन फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन इज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अमंग न्यूबॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग। तो एनटीडी को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या देके, आयरन टू द मदर इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, फॉलिक एसिड टू मदर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आयरन और फॉलिक एसिड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी या फिर विटामिन के टू द मदर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सबसे पहली चीज़ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है क्या, तो प्रेगनेंसी जब आप कंसीव करते हैं तो सबसे पहले न्यूरल ट्यूब बनेगी, क्या बनेगी, सबसे पहले न्यूरल ट्यूब बनेगी, तो उसको ज़रूरी होती है उसकी ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड की। तो माँ की बॉडी में फॉलिक एसिड होता है, लेकिन इतने फास्ट तरीके से ज़रूरत पड़ती है फॉलिक एसिड की उस ट्यूब को बनने के लिए, न्यूरल ट्यूब को बनने के लिए, तो आप बाहर से देंगे। तो यदि जब कंसीव करना चाहते हैं तब उसके पहले से ही लेना स्टार्ट कर दें, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आप क्या करें, फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें माँ, तो बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा, फॉलिक एसिड टू मदर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और जो आयरन दिया जाता है माँ को, एनीमिया के लिए दिया जाता है, क्योंकि जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनीमिया होने के रिस्क रहते हैं, क्योंकि बच्चे को भी ज़रूरी है और डिलीवरी के टाइम पर थर्ड ट्राइमेस्टर में एनीमिया होने का डर सबसे ज़्यादा जो प्रेगनेंसी में होता है वो था थर्ड ट्राइमेस्टर में। फिर यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो फॉलिक एसिड दिया जाता है, लेकिन जब नेक्स्ट जब 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद डॉक्टर आपको आयरन की टेबलेट देना भी स्टार्ट करते हैं, डिलीवरी होने के इवन 6 मंथ तक आपको कंटिन्यू करके रखते हैं कैल्शियम और आयरन की टेबलेट। नेक्स्ट वन इज द मिस्टर शर्मा डेवलप्ड फीचर्स ऑफ डिप्रेशन आफ्टर हिज डाइवोर्स, हियर डाइवोर्स कंसिडर्ड एज। तो यहाँ पर मिस्टर शर्मा का डिवोर्स के कारण डिप्रेशन में चले गए वो, तो अब यहाँ पर डिवोर्स ने कौन से फैक्टर को कंसिडर किया है, प्रसिपिटेटिंग, परपिचुएटिंग, प्रीडिस्पोजिंग या फिर पर्सनालिटी फैक्टर। कौन से फैक्टर को यहाँ पे मिस्टर शर्मा के डाइवोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, आप लोग भी मार्क कीजिए कि कौन सा फैक्टर है। तो यहाँ पर जो फैक्टर कहलाएगा वो कहलाएगा परपिचुएटिंग फैक्टर, कौन सा, परपिचुएटिंग फैक्टर, मतलब परपिचुएटिंग फैक्टर का मतलब कि ऐसी चीज़ जिसको वो रोक सकते थे, समथिंग दैट शुड बी स्टॉप, जिसको वो रोक सकते थे और उसके कारण वो डिप्रेशन में जाने से भी बच सकते थे, तो क्या हो गया, परपिचुएटिंग फैक्टर। मान लीजिए आप कोरोना से बच सकते थे, लेकिन आपको कोरोना हुआ क्यों, आप भीड़ भाड़ में गए, वैसे ही डाइवोर्स आप ना होने देते तो आप डिप्रेशन में जाने से बच सकते थे, तो क्या होगा, परपिचुएटिंग फैक्टर। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो किसी डिसीज़ को और बढ़ावा देंगे, किसी प्रॉब्लम को और बढ़ावा देने का काम करेंगे। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मतलब और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर डिप्रेशन मतलब जिस चीज़ को आप रोक सकते हैं, वैसे फैक्टर डिवोर्स होने को रोक सकते थे आप, जिसके कारण आप डिप्रेशन में ना जाते, तो वो कहलाता आपका परपिटुएटिंग फैक्टर। नेक्स्ट वन इज द थीम फॉर दिस ईयर्स नर्सेस डे 2023। 2023 में नर्सेस डे की थीम क्या है, अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ एंड आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। 2023 में हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस कब मनाते हैं, 12 मई को।
जब हम हर साल 12 मई को नर्सेस डे मनाते हैं इंटरनेशनल तौर पे, तो जो INC इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल डिसाइड करता है नर्सिंग डे की थीम, 2023 की थीम है आपकी आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। क्या है? आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ प्रिवेंशन इज नीडिंग फॉर इन्फेंट्स बर्थ टू 6 मंथ चाइल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यदि इन्फेंसी पीरियड से ले इन्फेंसी पीरियड मतलब जन्म से लेकर 6 महीने तक कौन से प्रिवेंशन हैं जो आप बच्चे के ऊपर करेंगे? नेवर सेक द इन्फेंट्स, यूज गेट्स एज स्टेप्स एंड स्टेयरवेज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉल्स, टर्न पॉट हैंडल्स अवे फ्रॉम एज ऑफ स्टोव, कीप मैचेस एंड लाइट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। फर्स्ट थिंग कि बच्चे को आप गेट या फिर स्टेप से लेके जाते हो, खुद से तो जा नहीं सकता, आपको ही लेके जाना पड़ेगा। पॉट हैंडल को स्टोव के पास से दूर रखें, ना तो गैस तक पहुंच पाएगा 6 महीने का बच्चा। कीप मैचेस एंड लाइटर आउट ऑफ रीच, तो ना ही बच्चे के पास आप ये चीज़ें भी रखेंगे। लेकिन एज एन प्रिवेंशन के तौर पे बात की जाती है तो वो होगा नेवर सेक द इन्फेंट। कुछ लोग होते हैं ना जो बच्चे को लिया और अच्छा इस तरीके से हिला हिला के खिलाते हैं, तो वही है यहाँ पे कि बच्चे को कभी भी सेक नहीं करना है, क्योंकि इस एज में फॉन्टेनेल क्लोज होते हैं, बच्चे की बोन्स हैं जो फ्यूज होती हैं क्लोज होते हैं फॉन्टेनेल्स। तो ऐसे ही एज में बच्चे को 6 महीने तक स्पेशली बच्चे को इस तरीके से हिला के आपको नहीं खिलाना है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द इन आइडेंटिकल ट्विन वेयर द फीटस शेयर कॉमन कोरियन द नंबर ऑफ प्लेसेंटा इज। आइडेंटिकल ट्विन है जो, उसमें आपका फीटस है जो कॉमन कोरियन शेयर कर रहा है, जो मेम्ब्रेन है एमनियन कोरियन, कोरियन मेम्ब्रेन एक है, तो प्लेसेंटा कितने होंगे? 1, 2, 1, 2 मोर देन 2, 2 एंड फ्यूज्ड। कितने प्लेसेंटा होंगे? कोरियन तो एक ही है, कॉमन कोरियन शेयर कर रहे हैं, लेकिन प्लेसेंटा कितने होंगे? तो आइडेंटिकल ट्विन में आप यहाँ से बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विन में या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विन में क्या होगा, एक ही एग रिलीज होता है ओवरी से और जो एक ही स्पर्म के थ्रू फर्टिलाइज होगा। लेकिन यहाँ पर 3 सिचुएशन डेवलप हो सकती हैं। वो 3 कौन सी हैं? पहली मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ एक ही ओवम का, एक ही एग का, एक ही स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन अर्ली एम्ब्रियो स्प्लिट्स बिफोर इम्प्लांटिंग इन वूम, मतलब यूट्रस में जाने के पहले ही 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, या फिर अर्ली एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन वूम एंड देन स्प्लिट, मतलब या फिर पहुँच यूट्रस में पहुँच गया, आपके गर्भाशय में पहुँच गया ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के लिए, लेकिन वहाँ जाके स्प्लिट्स हो जाए, या फिर इम्प्लांट होने के बाद यूट्रस में स्प्लिट्स हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्लेसेंटा आपका एक ही रहेगा। क्या होगा? प्लेसेंटा एक ही रहेगा। जब यहाँ पे एम्ब्रियो यूट्रस में जाने के पहले ही स्प्लिट हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए आइडेंटिकल ट्विन के लिए, तो यहाँ पर सेपरेट प्लेसेंटास एंड सेपरेट इनर सैक्स, क्या है, 2 प्लेसेंटा होंगे 2 इनर सैक होंगे। लेकिन जब यहाँ पे शेयर्ड, जब यहाँ पे क्या हुआ कि इम्प्लांटेशन होने के बाद स्प्लिट होते हैं, तब यहाँ पे प्लेसेंटा एक ही होगा, याद रखें। तो ऐसे ही आइडेंटिकल ट्विन में जब फीटस कॉमन एक कोरियन शेयर करते हैं, मतलब एक कॉमन कोरियन शेयर की मतलब ये सेंटर वाला होगा, मतलब या तो यूट्रस में पहुँच के स्प्लिट हुए हैं या फिर इम्प्लांट होने के बाद हुए हैं, लेकिन यहाँ पे यदि बिफोर इम्प्लांटेशन की बात करें तब 2 रहेंगी, लेकिन आइडेंटिकल ट्विन में कहा है जब कॉमन कोरियन एक कॉमन कोरियन शेयर करते हैं तब प्लेसेंटा एक ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द स्पोर्ट पर्सन इनहेंस मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज बाय टेकिंग। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो अपनी मेंटल और फिजिकल ताकत के लिए, कैपेबिलिटीज़ के लिए क्या लेते हैं? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, कैफीन, विस्की या फिर हाई कैलोरी फूड, तो ये लेते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट इज द साइलेंट फीचर ऑफ नर्स रिकॉर्ड्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी साइलेंट फीचर है नर्सिंग रिकॉर्ड्स के किसी एक को छोड़कर, रिटन विथ इंक ऑन पेपर ये भी है, कंप्लीट क्लियर कॉन्साइज रिकॉर्ड्स होना चाहिए, शुड नॉट हैव ओवर राइटिंग। कभी भी जब भी रिकॉर्ड्स आप इकट्ठे करते हैं तो आपको बार बार ओवर राइटिंग काटा पीटी नहीं करना है। काउंटर साइन बाय डॉक्टर, जरूरी नहीं कि नर्सिंग रिकॉर्ड्स पे डॉक्टर्स के साइन भी हो। क्लियर?
नेक्स्ट इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट अ पैथोजेनिक एजेंट। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ह्यूमन बॉडी की जो क्षमता है डिफेंड करने की वो क्या है, रेजिस्टेंस, टॉलरेंस, इम्यूनिटी या फिर अडाप्टेशन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी, और कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन डाउट्स को पूछ सकते हैं। और जो भी लोग पेपर्स परचेस करना चाहते हैं नॉरसेट के, एमपी ग्रुप 5 के, सीएचओ के, एनएचएम के, कोई से भी पेपर्स, तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कल आपको इवनिंग से ANM के 10 पेपर का सेट भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।